तो समझ कर पढ़ने के लिए कुछ समझना पड़ेगा। वो क्या समझना है, वो याद करना। चलिए, तो कुरान सीखना तो क्या करना पड़ेगा, उसका माहौल बनाना पड़ेगा। जैसे लोग कहते हैं कि अगर जो है आपको इंग्लिश सीखना है या अरबी सीखना है, तो आप जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल को चेक करिए। अगर वो पूरा माहौल इंग्लिश बोलने वाला है, तो एक दिन बल्कि एक महीना, छः महीना या साल भर में आप इंशाल्लाह खुद को सीख जाओगे। माहौल है, ठीक है। अगर आप अरब के अंदर है, माहौल है वो, कुछ ना कुछ तो आप सीख जाएंगे। ऐसे ही कुरान सीखना है तो आपको माहौल बनाना पड़ेगा। क्या वो माहौल है, जो है सात मुख्तसर होमवर्क्स आपको दिया जा रहा है, जिसको आपको करना जरूरी है। पहला क्या है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, रोज़ाना डेली क्या करना है, 5 मिनट कुरान देखकर पढ़ना है। ये तमाम चीज़ें यहाँ से आपके नोटबुक में हैं, ये नोटबुक बता रहे हैं, टेक्स्ट बुक में है आपके। यस, स्टार्टिंग में जब है तो कोई जरूरत नहीं है। 5 मिनट क्या करना है, कुरान देख कर पढ़ना है। और क्या करना है, दूसरा ये बताया जाए, 5 मिनट बगैर देखे पढ़ना है। अब बगैर देखे कैसे पढ़ेंगे, जो भी सूरतें आप लोगों को याद है, कोशिश कीजिए उसको बगैर देखे पढ़े, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, तीसरा ये जो किताब है, जो टेक्स्ट बुक दी जा रही है, उसको कम से कम 10 मिनट क्या करना, घर पे उसकी स्टडी करना, उसको पढ़ना, उसका मुताला करना। इसको जो किताब आपको दी गई है, जो किताब आपके हाथ में है, अभी जिन लोगों ने किताब नहीं ली है, आज उनका आखिरी जो है समझिए चांस है, बैठ सकते हैं। कल जो है परमिशन दे रहेगी, क्लास भी बैठ देगी। इसलिए हर एक के पास किताब होना ज़रूरी है, क्योंकि आपने वादा किया है कि हमको कुरान समझ कर पढ़ना है। कुरान समझ कर पढ़ने के लिए जरूरी है, उसके लिए किताब ज़रूरी है, जरिया होना ज़रूरी है। उसके बाद देखिए, तो रोज़ाना क्या करेंगे, 10 मिनट किताब से स्टडी करके आएंगे, जो पढ़ लिए वो भी, जो आगे पढ़ना है वो भी, ताकि आसान हो जाए। और 10 सेकेंड ही सही, आपको क्या करना है, अल्फाज मानी जो हम बताएंगे आपको याद करना है, और ऑलरेडी वो किताब के अंदर भी मौजूद रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद कितने हो गए, 4 हो गए। फिर उसके बाद जो 5वां बताया जा रहा है, ये तो चूँकि सिर्फ आपने टेक्स्ट बुक लिया, अगर आपके पूरी जैसे किताब है उसके साथ, फिर सीडीज है उसके साथ, चार्ट है, बुकलेट है, वो तमाम चीज़ें लेते हो तो इसकी करने जरूरत पड़ती है। तो हमको वो तमाम चीज़ें नहीं करना है, सिर्फ इसमें से 5 ले लेना है। 2 तो स्टार्टिंग में हो गए, 4 हो गए। कुरान 5 मिनट देखकर पढ़ना, बगैर देखे पढ़ना 2 हो गए। तीसरा 10 मिनट किताब से मुताला करना है, और 4 क्या है, अल्फाज मानी याद करना है। 5वां ये है कि दुआ करना है। क्या दुआ है वो, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ये जो है लेसन नंबर 7 में आएगा, हम वहाँ पर बताएंगे कि दुआ क्यों पढ़ना ज़रूरी है, इंग्लिश के लिए, नॉलेज है हासिल करने के लिए, तो कुरान के लिए क्यों जो है दुआ करना है, और ये दुआ करना भी है खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी, ठीक है। और कभी भी जब आप स्कूल में जाते हैं तो अपने स्टूडेंट को भी बताइए, आप खुद के लिए जब भी घर पे है नमाज पढ़ें, या जब भी दुआ के लिए हाथ उठाते हैं आप, तो अपने बच्चों को, पढ़ाने वालों को, और जो आपके साथ है उनके लिए भी दुआ ज़रूर कीजिए, ठीक है। उसमें होता क्या है, जो बच्चे जो है कमज़ोर है, या जो बच्चे सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं, तो किसकी दुआ कब कबूल हो जाए नहीं मालूम, इसलिए एक दूसरे के लिए हमेशा दुआ करते रहना। और दुआ करने से क्या होता है, दिल के अंदर जो गलत फहमी है वो दूर हो जाती है, फिर जो है लड़ाई जो झगड़ा रहता है ना वो भी दूर है। क्यों मैं उसके लिए क्यों दुआ करूँ, पहले दुआ करने से पहले जन्म में आए। अब करना है तो करने के लिए हिम्मत होना, अगर हिम्मत कर लिया तो कल के दिन आप उससे मुलाकात भी करोगे, सलाम कलाम भी होगा। हाँ, लेकिन दिल के अंदर तंगी है, उससे बात ही नहीं करना है, तो फिर जो है ईमान की कमजोरी है, डायरेक्ट बोले ईमान की कमजोरी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको भाई भाई, बहन बहन देखना चाह रहा है, न कि जो है अलग अलग, ठीक है। उसके बाद अब कह रहे हैं कि मसला हम लोगों का मेहनत का नहीं, बल्कि किसका है, किसका है, आपकी सोच का है, जो हमारी थिंकिंग है ना वो क्या है। ये जो आलिम लोग हैं ना, ये जो मदरसे में जो पढ़ते हैं ना,
या जो मदरसे में जो बच्चियां पढ़ती है ना उनके लिए, ये हम जो घर पे बैठे रहते हैं या स्कूल में या दूसरे कॉलेज में जो पढ़ते हैं पढ़ाते हैं ना, ये उन लोगों के लिए कुरान नहीं है, नहीं समझ सकते। ये जो सोच है ना, उस सोच को क्या करना है, चेंज करना है, बदलना है। तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक इंशाल्लाह आपको भी क्या है, कुरान आहिस्ता आहिस्ता समझ में आने लगेगा। तो क्या करना पहले, उसको जिंदगी का हिस्सा बने। जैसे हम बार बार कहते हैं कि जिंदा रहने के लिए खाने पीने का हम इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही कुरान समझने के लिए उसको भी जिंदगी का हिस्सा बना दीजिए, ठीक है। और जो भी चीज़ें आपके पास है, जैसे किताब है, ठीक है, वो किताब हमेशा अपने साथ रखिए। जो भी जो चीज़ें आपने पढ़ ली उसको रिवाज करते रहिए। जो नहीं पढ़े, जो नहीं आ रहा है, उसको ये पूछिए, मालूम कर लीजिए, तो इंशाल्लाह क्या हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता कुरान करनी आपको ज़रूर आ जाएगी। उसके बाद ये जो है ज़रूरी बताना कहा जा रहा है कि सिर्फ 200 घंटे लगेंगे आपको क्या करने के लिए, ये 40,000 अल्फाज कवर करने के लिए। लेकिन ये उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है जो पहली बार पढ़ते हैं या पहली बार अरबिक या पहली बार कुरान समझने वाली किताबें ये वर्ड समझते हैं या सुनते हैं, तो ये उनके लिए थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो पहला लेसन का पहला हिस्सा कि कुरान जो है बहुत ही आसान है, ठीक है। उसका कैसा गिरा बताया गया वो आपको बता दिया गया, थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह हम उसको सुनेंगे भी आपसे। लेकिन उससे पहले अब किताब में आप आ जाइए डायरेक्ट, क्योंकि स्लाइड में थोड़ा आगे पीछे किताब से तरतीब से बता दिया। लेसन नंबर 1, सबसे पहले स्पोर्ट से का तारुफ बताया जा रहा है। वीर जिंदा है या जो है खाली ऐसी बैठे हुए हैं, ठीक है। जिंदा है तो थोड़ा हरकत में लाना पड़ेगा, ओके। ये है सच और एक है वहम, तो डिफरेंस क्या है दोनों में, सच क्या है वहम क्या है। सच सच है, हाँ, क्या आइडिया कुमार, बस और कुछ जवाब, सच जो हकीकत है, वहम जो हकीकत नहीं है। शैतान हमारे जहनों में है। तो जरा गौर सुनिएगा, ऐसी क्लासेस चल रही क्लास चल रही है, एक शरारती बच्चा है, हर क्लास में रहते हैं ना, हमारी क्लास में नहीं है। तो पीछे एक शरारती बच्चा है, वो क्लास में कायदे से कभी भी गौर की कोई चीज़ सुनता ही नहीं है। लेकिन जब टीचर ने क्या किया, इसका आंसर पूछा कि सच और वहम में क्या फर्क है, वो शरारती बच्चा अपनी जो है बेंच पे खड़ा हो जाता है, अपनी चेयर पर लिखा होता है, डायरेक्ट बेंच पर खड़ा है, शरारती है ना, और कहता सर इसका जवाब मैं दूंगा। तो परेशान, ये क्या कभी नहीं पढ़ने वाला, आज जवाब देने के लिए तैयार है, तो जवाब दे रहा है। वो क्या जवाब दे रहा है, गौर से सुनिएगा, कह रहा है सर आप जो पढ़ा रहे हैं ये सच है, हम सब मिलकर पढ़ रहे हैं ये। हम पढ़ा रहे हैं ना, बिल्कुल सच है ना, और हम सब मिलकर कितना पढ़ रहे हैं ये आप उसका वहम है, ठीक है, उस बच्चे का वहम है जो शरारती है। ओके, ठीक है, लेसन नंबर 1 तारुफ, यानी इस कोर्स से सबसे पहले ये बताइए कि अल्लाह ताला ने हम सबको क्यों बनाया, क्यों पैदा किया, आसमाने के लिए इबादत करने के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है क्या, वमा खलकतुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून, हमने जिनों और इंसानों को इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करें। तो मकसद क्या है, मकसद क्या है, अल्लाह की इबादत करना। तो ऐसे ही इस कोर्स का कुछ मकसद है, जो 5 में क्या किया गया, डिवाइड किया गया, नंबर 1 लिखिए। इस कोर्स के पढ़ने से आपको क्या क्या मालूम होगी, क्या क्या चीज़ें आएंगी, नंबर 1 बता रहे गौर से देखिए, नमाज को मुअस्सर तरह से पढ़ने की आदत हो, क्या मेरा नमाज को मुअस्सर तरह से पढ़ने की आदत हो। मुअस्सर किसे कहते हैं, असर करने
करने वाली, अभी हम आपको मिसाल देंगे हमारी नमाज क्या असर करती है, ठीक है। उसके बाद है खुशू और वजू हासिल हो, खुशू और वजू क्या माना इसका, पहले इसको देखते हैं। खुशू खुशू का माना है डर और खौफ, डर और खौफ। और वजू कहते हैं आजिज़ी व इंकिसार, अदब। अब उसमें एक और बात बता रहे, और सुनिए, खुशू जो होता है ना वो दिल का अमल होता है। खुशू किसका अमल है? दिल का अमल है। यानी अगर वो चीज दिल से करेंगे ना तो वो नमाज भी मकबूल यानी कबूल होने वाली, क्योंकि आपने दिल से किया है। और ये जो खुशू है नमाज के अंदर, हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं नमाज के अंदर, वो मुराद है खुशू, ठीक है। ये खुशू दिल का अमल है और बॉडी के जो पार्ट्स नमाज के अंदर इस्तेमाल होते हैं वो उसका खुशू है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्यारी बात बताई थी कि एक जमाना आएगा कि उस जमाने में लोगों का खुशू और खुजू क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। और है ऐसा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया होके रहेगा। कैसा मालूम? नमाज के अंदर ख्याल आते हैं, तो नोट कर लीजिए, नमाज के अंदर अभी बता रहे, नमाज के अंदर हम तीन बदतमीजियां करते हैं। कितनी बदतमीजियां? तीन। कहां पर? नमाज के अंदर। पहली बदतमीजी क्या करते हैं मालूम? हम नमाज को या नमाज के अंदर जो भी सुनते या दुआएं पढ़ते ना, पढ़ 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 मशीन की तरफ पढ़ते हैं, तेज तेज पढ़ते हैं। इसकी मिसाल दे, ये स्कूल नहीं जाएगा, बिल्कुल तो तेरे सबके पास जा रहे हो, ठीक है। किसी को लीडर बना दिए, वो लीडर क्या है, अब अब्दुल मुख्तदिर साहब से जो है बात कर रही है और फर फर पर बात कर रही है। सर क्या बोलेंगे, मेरी यार क्या बोलना चाह रही, क्योंकि स्पीड इतनी हाई है कुछ समझ में नहीं आ रहा। और नमाज हमारी स्पीड इतनी हाई है, एक दुनिया का इंसान आपको क्या कर रहा है, तो क्या बात कर रहे हैं आप, क्या स्वरूप करे, कैसी बात करे, ऐसी बात करे जो हमको समझ में आए, बर्दाश्त करेंगे नहीं करेंगे। नमाज के अंदर तेजी के साथ पढ़ोगे अल्लाह रब्बुल आलमीन, पहली गलती है। दूसरी गलती क्या करते हैं कि हम नमाज पढ़ते हैं और हमारा दिमाग या हमारी तवज्जो कहीं और रहती है। नमाज पढ़ते हैं और तवज्जो कहीं और, ठीक है। उसकी मिसाल दें कि ठीक अब्दुल मुक्तदिर साहब के पास ही जाते हैं, ओके, नहीं जाएंगे ग्रुप में जाएंगे। अब क्या कर रहे, आप जो है अपनी सगा घर की डिग्री अपनी सर्टिफिकेट सब लेके गए, आपका इंटरव्यू उन्होंने ले रहे हैं, ठीक है। आप अपनी पूरी डिग्रियाँ अपने सर्टिफिकेट आपने जो जो भी पढ़ा है आप अपना इंटरव्यू क्या कर रहे हैं, उनको दे रहे हैं, ठीक है। अब आप जो है अपना इंटरव्यू उनको दे रहे हैं, लेकिन अब्दुल मुक्तदिर साहब क्या कर रहे हैं, कभी फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, कभी किसी को बुला रहे, कभी किसी को बुला रहे, कभी कर ये करो वो करो। आप भी जो है वहाँ पे अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, बात कर रहे हैं उनसे, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, किसी और चीज़ में मशगूल हो जा रहे हैं, या कम से कम फोन आया फोन उठा रहे, यानी आपकी बात की अहमियत नहीं दे रहे हैं। आपको अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? आप नमाज पढ़ते हैं और पूरी तवज्जो कहीं और है, अल्लाह रब्बुल आलमीन एक्सेप्ट करेगा? आप खुद कह रहे हैं ये दुनिया की बात है, ये दुनिया के इंसान की बात है, उसके सामने आप ऐसी बात करोगे तो आप नाराज हो जाओगे। इससे पहले वो नाराज हो जा रहे थे, आप सर पर बात कर रहे थे, अब क्या आप नाराज हो जा रहे, क्योंकि वो तवज्जो से हमारी बात नहीं सुन रहे। दूसरी और तीसरी बदतमीजी, तीसरी गलती नमाज में कि हम विदाउट फीलिंग के पढ़ते हैं नमाज को, कोई फील ही नहीं करते हम नमाज में, क्या पढ़ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ और शुक्र किसके लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। समझ में आया? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला जहाँ तेरी तारीफ होगी तो होगी, नहीं होगी तो कोई बात नहीं है। अब हम हमारी एज है 16 है 20 है 25 है, मेरा ग्रुप हुआ कैसा हुआ, किसने किया, अब जो किया क्या हम उसकी तारीफ नहीं बयान करेंगे, क्या हम उसका शुक्र अदा नहीं करेंगे, उसको फील नहीं करेंगे। जब वो फीलिंग आ जाएगी ना, हम जो
पढ़ते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर क्या क्या इनामात किए हैं, तो फिर वो नमाज वैसी होगी जैसा पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ लो, चले जाओ, कोई जरूरत ही नहीं है। अल्लाह ताला अगर कबूल करे तो ठीक है, नहीं कबूल करे तो भी ठीक है, ऐसी नमाज। तो ये तीन खास तौर से हम क्या करते हैं, बदतमीजियां करते हैं, बेअदबी करते हैं नमाज के अंदर। तो इंशाअल्लाह जब हम क्या करेंगे, ये कोर्स पढ़ेंगे, तो ये चीजें इंशाअल्लाह पूरी गारंटी तो नहीं दे रहे, लेकिन जरूर भी जरूर आपके नमाज में इफेक्ट पड़ेगा, असर पड़ेगा। और चार दिन के बाद मुझे आप बोलेंगे। तो खुशु और खुजू हासिल हो नमाज में, खूब दिल लगे, किताब में देख सकते हैं, नमाज में खूब दिल लगे, इसकी मिसाल में हम थर जाके देंगे, नमाज में खूब दिल लगे और नमाज के असरात हमारी जिंदगी में आए। अब आपको यहाँ पर बताया गया था कि वो नमाज कैसी हो, मुअस्सर हो। अब यहाँ पर गाजर नमाज के असरात हमारी जिंदगी में आए, मिसाल तीन से चार दे रहे हैं। आप नमाज पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, आप झूठ भी बोलते हैं, असर। आप नमाज पढ़ते हैं, आप अपने वालिदैन को तकलीफ देते हैं, असर। आप नमाज पढ़ते हैं, अपने साथियों को तकलीफ देते हैं, असर। आप नमाज पढ़ते हैं, अपने पड़ोसी को तकलीफ देते हैं, असर। आप नमाज पढ़ते हैं, गुनाह का काम करते हैं, असर। ऐसी नमाज से क्या फायदा, वही कहा जा रहा है कि नमाज के असरात हमारी जिंदगी में आए। आप नमाज भी पढ़े, फिर भी नमाज पढ़ के निकलने के बाद जो गलतियां थी, जो गुनाह हमारे पास थी, फिर वही रिपीट हो रही है, तो नमाज के असरात आए नहीं आए। क्योंकि अल्लाह ताला क्या कर रहा है, नमाज पढ़ने से बुराइयां और बेहयाइयां क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है। हमारे पास पढ़ तो जरूर है, लेकिन उसका असर समझ में आ रही है, हमारी बातें समझ में आ रही है। तो पहली चीज हो गई, नमाज को मुअस्सर तरीके से पढ़ने की आदत हो, नमाज में खूब दिल लगे, खुशु और खुजू हासिल हो, नमाज के असरात हमारी जिंदगी में आए। ठीक है, तो हमारी जिंदगी में भी नमाज के असरात आने चाहिए। और दूसरी चीज बता रहे हैं कि इस कोर्स के पढ़ने से कुरान का समझना आसान हो जाएगा। इस कोर्स के जरिए से आपके लिए कुरान का समझना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तीसरी चीज क्या है कि कुरान समझकर बार बार तिलावत करने का शौक पैदा हो किताब में। तीसरी चीज क्या बताएगी कि जब आप कुरान समझकर पढ़ेंगे ना, तो फिर तिलावत करने का शौक भी पैदा होगा, दिलचस्पी आएगी, जज्बा होगा। क्यों आएगा, उसकी एक मिसाल हम आपको दे रहे हैं। क्योंकि आज की दुनिया क्या है, हम छोटे बच्चों को ही सिखा रहे थे कि बेटे ये सीरियल देखो, ये सीरियल देखो, ये सीरियल, हम खुद ही सिखाने वाले, मैं खुद से नहीं करती। ठीक है, या तो कहीं से सीख कर आते हैं तो वालिदैन से कहते हैं, या वालिदैन उनको सिखाते हैं, कहीं ना कहीं बच्चा कुछ करके आया है। ओके, तो क्या कर रहे हम उसको सीरियल बता दिए, या वो सीख के आया है तो वो आपसे क्या कर रहा, हमको बताइए बताइए, आप बता दे। अब वो सीरियल के दौरान आप उससे बात करो, आप जरा जो है मार्केट जाइए, आप जरा जो है फला चीज लाइए, या कम से कम पानी ला दीजिए, या कोई आया है डोर पे जाके देखो कौन आया है। मम्मी पापा मैं नहीं जा सकता, नहीं जा सकती, क्यों वो जो सीरियल आ रहा है ना, वो उसको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, तो एक सेकेंड के लिए भी उससे दूर नहीं होना चाहता, क्योंकि मिस हो जाएगा। और क्या होता है, अब उसको एंडिंग में जरा बुला के देखिए, बिल्कुल आखिर में जब वो खत्म होने वाला है, बुला के देखिए आप क्या जवाब देगा। यही वक्त है जब से मैं खालिदा नहीं बोल रहा था, जब मैं देख रहा हूँ और खत्म होने करीब आप मुझसे बात कर रहे हैं, पला पला चीजें लोग बोल रहे हैं, और हरगिज नहीं जाता। और क्या डांटते भी हैं, डांटते भी अपने वालिदैन को, इसी टाइम पे बोलना था आपको, क्यों, इसलिए कि वो चीज उसको समझ में आ रही है। ऐसे अगर हम कुरान समझ कर पढ़ेंगे, अल्लाह ताला क्या कर रहा है, आप जन्नत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जन्नत में क्या क्या चीजें हैं, कौन लोग जाएंगे, कौन जन्नत, जन्नत के दर्जात क्या है, क्या है, आप फील करेंगे उसको, फिर उसको पाने की तमन्ना रहेगी। अगर जन्नत का जिक्र हो गया ना, तो दोजख का पता लगे, दोजख क्या चीज है, आप क्या चीज है, कौन लोग जाएंगे उसके अंदर, क्या हम भी जाने वाले हैं क्या उसके अंदर, क्योंकि समझ में आ रही है बात। और मोमिनीन का जिक्र किया कि मोमिन कौन है,
ठीक है, तो ये तमाम चीजें कब आएंगी, जब हम उसको समझ कर पढ़ेंगे, जब समझ में आएगा तो खुद ऑटोमेटिक आप आगे बढ़ते जाएंगे। जैसा ये एक महीने पर या वन मंथ, ये एक हफ्ते पर आने वाला सीरियल, तो छह दिन क्या करते हैं, इंतजार करते हैं। ऐसे ही एक चैप्टर खत्म हो गया कुरान का एक लेसन, फिर आगे हमारी क्लास कब आएगी समझने की, वो शौक और जज्बा आपके पास भी आ रहा। ये है कुरान समझना, कितनी चीज होगी, तीन चीजें। चौथी चीज क्या है, कुरान से तहामुल। ठीक है, तहामुल का मतलब क्या है, इंटरेक्ट होना, किससे, कुरान से, और कुरान से जो है तहामुल होना, यानी डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमारा कांटेक्ट हो जाना, रब्त हो जाना। ठीक है, किससे इंटरेक्ट हो जाना, अल्लाह रब्बुल आलमीन से। तो जब ये कुरान समझ कर पढ़ेंगे तो हमारा कांटेक्ट किससे हो जाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन से, यानी कुरान से। और जब ये कुरान आप समझेंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको समझाएगा, समझ जाने के बाद उसको जिंदगी में लाने का तरीका भी समझ में आएगा। मतलब क्या है, आपने समझ लिया, पढ़ लिया, अब उसको या उस पर अमल कैसे करना है वो आपकी जिम्मेदारी बन जाएगी। यानी हमको क्या करना है, कुरान के तरीके पर चलना है, वो तरीका आपको समझ में आएगा। और आप भी बात बता रहे हैं कि टीम वर्क या इज्तिमाइयत की स्पिरिट पैदा हो, यानी इस कोर्स के जरिए से एक ऐसी कौम पैदा हो जो कुरान पढ़े, समझे, उस पर अमल करे, दूसरों को बताए और मुत्तहिद बन कर रहे, इज्तिमाइयत वाली रहे, कि ये कुरान वाली किताब जो है कौम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन वाली कौम है, इसको हम जो है बिगाड़ नहीं सकते। ऐसी जो है नॉलेज कुरान के जरिए से वो भी समझ कर हो जाए। आप याद रखिए कि अगर आप कुरान समझ के पढ़ने लगेंगे ना, तो ये जो है प्रैक्टिकल बता रहे हो आपको, अगर आपको कुरान समझ में आने लगेगा तो जितने सारे आपके राउट्स रहते हैं ना, जो सुने हुए रहते हैं, जो सुने रहते हैं, आप पढ़ते तो नहीं ना, कोई समझ में नहीं आता, जब आपको समझ में आने लगेगा जो सुने रहते हैं ना, तो जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ना, वो खत्म होता जाएगा। और आप खुद कहेंगे ये तो वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि हमको ये करना है, फिर हमको ऐसा क्यों बताया गया। ठीक है, तो जो इख्तलाफ है ना वो भी दूर होगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान को नाजिल नहीं किया है इख्तलाफात को दूर करने के लिए। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रुकू, अल्लाह की रस्सी क्या है, कुरान को मजबूती से पकड़ो और आपस में मत बंटो, तकसीम मत हो जाओ। और हम क्या है, आज कुरान हमारे पास है, सच्ची किताब है, लेकिन फिर भी बटे हुए, क्यों बटे हुए, इसमें कुरान समझ कर नहीं पढ़ते। तो ये हो गया कि इस कोर्स के पांच मकासिद है, ये पांचों आप लोगों को याद भी करना है, और ये वाकई जो पांच चीज़ें बताई गई ना आपकी लाइफ में भी आना चाहिए इंशाल्लाह। तकबीर, तीन से चार मिनट आपको दे रहे हैं, जल्दी से वो पांचों मकासिद जो है जहन नशीन कर लीजिए, उसको मेमोराइज कर लीजिए, याद कर लीजिए।
उसके बाद आगे देखिए, ऐसा मतलब ये नहीं कि अभी जो याद दिलाया गया फिर पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। तो तीन बातें और याद कर लीजिए, अपनी ताकतीय देख लीजिए उसके बाद, कि एक चीज होती है अरबी समझना, ठीक है, और एक है कुरान का समझना। इन दोनों में तीन इम्पोर्टेंट क्या है डिफरेंस, फर्क है, ठीक है, इस कोर्स में। पहला फर्क क्या है? पहला फर्क ये है कि इस कोर्स को नमाज से शुरू किया गया है। किससे शुरू किया गया है? यानी आप जो भी पढ़ेंगे ना, नमाज के अंदर जो भी चॉइस सूरत अज़कार पढ़ेंगे उससे शुरू करेंगे। क्यों ऐसा किया गया है इस कोर्स को, क्यों नमाज से स्टार्ट किया गया है? इसलिए कि हम रोजाना एक घंटा या सवा घंटा नमाज के अरबी माहौल में रहते हैं। नमाज क्या पढ़ते हैं? अरबी पढ़ते हैं ना, या तेलुगु पढ़ते हैं, नमाज में अरबी पढ़ते हैं। तो अरबी क्या है? ये सूर्य की दुआ, इसलिए उसको पहले सिखाया गया ताकि हमारी नमाज सही हो जाए, यानी समझ कर पढ़ने लगे। दूसरा फर्क क्या है? इस कोर्स में सुनने और पढ़ने पर ज्यादा तवज्जो है। क्यों? इसलिए कि हम रोजाना कुरान सुनते भी है और कुरान पढ़ते भी है, यानी अभी आपको सिर्फ सुनना है और पढ़ना है, ठीक है। अब फतवे देना, अहकाम निकालना, वो आपकी किसी बात नहीं है, वो बताएंगे आगे, ठीक है। अभी क्या करना है? सुनना है और पढ़ना है। फिर तरह से हम उसको जिक्र करेंगे कि हमको ये क्या क्या चीज़ें इससे मिलने वाली है और क्या क्या चीज़ें उससे हमको दूर रहना। ये कोर्स जो है हम 200 घंटे में मूर्ति बन जाएंगे या मुफ्तिया बन जाए, आलिम बन जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो मदरसा है, मदरसे में जो है आपको 15 साल 10 साल लगाना पड़ता है, वो अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ क्या बताएगी? कुरान सुनते और पढ़ते ज़्यादा, इसलिए इसको क्या करना है, इसके अंदर पहले ज़्यादा से ज़्यादा सुनने पर और पढ़ने पर तवज्जो करना है। तीसरा जो है फ़र्क ये है कि इसके अंदर अल्फाज मानी पर ज़्यादा जोर दिया गया। अल्फाज मानी बोले तो अलग अलग वर्ड के अलग अलग मीनिंग, जैसे आऊज़ु, मैं पनाह लेता हूँ, इल्लाही, भी अलग है, अल्लाह अलग है, भी का माना कि अल्लाह का माना था, अल्लाह अल्लाह की, बिना शैतान, बिन का माना से शैतान, शैतान और अजीब जो मरदूम है, ये पूरा अलग अलग बताएंगे। तो अल्फाज मानी पर ज़्यादा जोर क्यों? इसलिए कि यही फितरी तरीका, यही नेचर है, यानी छोटे बच्चे अपनी लैंग्वेज, अपनी जबान किस तरह सीखते हैं? डायरेक्ट अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, डायरेक्ट अच्छी उर्दू बोलते हैं, नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं। तो हमको क्या करना है? कुरान समझना है। तो बिल्कुल जो हाई लेवल का हम आपको पढ़ाएं, ये बेसिक से जाएंगे, बेसिक से जाएंगे, तो ताकि हम आसानी से सीख सकें, ओके। तो ये तीन, अरबी जबान सीखने और कुरान समझने में तीन बुनियादी फर्क है जो अभी आपको बताया गया। एक बड़ा और रिवाइज कर देते हैं। पहला फर्क ये है कि इस कोर्स को नमाज से शुरू किया गया, क्योंकि हम एक घंटा या सवा घंटा नमाज के अरबी माहौल में रहते हैं। दूसरा, इस कोर्स में सुनने और पढ़ने पर ज़्यादा तवज्जो, इसलिए कि रोजाना सुनते और पढ़ते हैं। तीसरा, अल्फाज मानने पर ज़्यादा जोर, क्योंकि यही फितरी तरीका, यानी छोटे बच्चे अपनी जबान से सीखते हैं। अब इसका दूसरा हिस्सा है ग्रामर का, फवाइद का, ठीक है, थोड़ा और जैसा जो है फोकस रखे थे, थोड़ा और उससे ज़्यादा फोकस रखना है ग्रामर में, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। मुश्किल कब होगा? जब आप नहीं सुनेंगे। ओके, पहले जैसे इस्तेमाल देख लीजिएगा, यहाँ पे बैठने वाले की जिम्मेदारी होती है। अब याद रखिए, इस कोर्स में जो भी कवायद या ग्रामर सिखाए जाएंगे वो TPI के जरिए से सिखाए जाएंगे। किसके जरिए से? TPI के जरिए से। किसके जरिए से? TPI। TPI का मतलब क्या होता है? ठीक है, मतलब क्या हुआ? आपको सारे वजूद का इस्तेमाल करना है, यानी आपको सोचना भी है, आपको देखना भी है, आपको सुनना भी है, और आपको तवज्जो भी देना है, और शैतान को बीच में हरगिज आने नहीं देना, क्योंकि जैसे ही कुरान पढ़ना शुरू कर दिया ना, तो वो शैतान अंधारों पर लौटता है, ठीक है। समझते का बहुत फर्क है, बताएंगे वो भी मिसाल फर्क में। तो लेकिन अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो क्या होता है? खुशी का जो रास्ता कौन बता रहे? हमें बताने वाले हैं, ठीक है। जिस घर में कुरान न पढ़ा जाए वो कुरान जो है
पाकिस्तान चले जाइए, ऐसा रहता ना वैसा घर हो गया, उसको यहाँ भी करके लेंगे, यहाँ पे पहले ही कवर कर लेंगे। तो किसके जरिए से ग्रामर? पीपीआई के जरिए से। तो सारे वजूद का इस्तेमाल करना है, सोचना भी है, देखना भी है, सुनना भी है, बोलना भी है, और खास तौर से हाथ से इशारा करना, जो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है, हाथ से इशारा करना है और शौक से जज्बे से पढ़ना है, ये है पीपीआई। ओके, तो अगर पीपीआई के जरिए से सीखेंगे तो इंशाअल्लाह सिर्फ हाथ के इशारे से कुरान के तकरीबन 25% जो है ग्रामर इस पीपीआई के जरिए से सीख लेंगे। 25% सिर्फ ग्रामर किसके जरिए से? हाथ के इशारे से, पीपीआई से, जो हाथ का इशारा हम आपको बताएंगे, ठीक है। कितने परसेंट? 25%। शर्त यह है कि उसको शौक से जज्बे से पढ़ा जाए, उसको याद रखा जाए, बार बार फिक्र करें, ठीक है। तो अच्छा, पहले उससे पहले बता रहे हैं कि आपको जो है इशारा किया जाएगा, ये वो है, ये वो है, ये अंतर का पाद है, पाद में जो भी अपाद है वो है, वो बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले ये बता दें कि अक्सर जो कहते हैं कि ये जो डीपीआई का जो तरीका है कुरान सिखाने का, ठीक है, होगा वो अंतर, ये हाथ का इशारा क्यों कर रहे हैं? और जो है हाथ हिलाए जो है आप भी बता सकते हैं ना, होगा तो बता सकते हैं, लेकिन ये बताने की जरूरत क्या है आपको? तो उसकी एक मिसाल दी गई है, ठीक है, उसकी एक मिसाल दी गई है। मिसाल के तौर पर हर एक के पास मोबाइल रहता है, ठीक है, किसी ने आपको कॉल किया, वो आपके घर आना चाह रहा है, तो आप क्या पूछ रहे हैं? वो एड्रेस पूछ रहा है आपसे, तो आप क्या कर रहे हैं? आप एड्रेस जो उसको फ़ोन पर बता रहे हैं, फ़ोन पर बता रहे हैं, कैसा बता रहे हैं कि आप कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, फला जगह से मैं आ रहा हूँ, ठीक है, आप फला जगह पर रुक जाइए, वहाँ से आपको फिर राइट लेना है, अच्छा ना दिख रही है, राइट लेने के बाद थोड़ा आगे जाइए, आगे जाने फिर लेफ्ट जाना है, लेफ्ट थोड़ा आगे बढ़ेंगे ना, फिर राइट साइड में देखिए एक बिल्डिंग है, वही हमारा घर है, वो बिल्डिंग है, वो हमारा घर है, वो हमारी बिल्डिंग है, वो ठीक है ना, हाथ का इशारा ये क्यों? अच्छा एक चीज़ और, वो भी साल की, अब हम जो आपको पढ़ा रहे हैं तो हमारे हाथ भी हरकत कर रहे हैं ना, करे नहीं करें, कैसे प्रैक्टिस करके आए हम, नहीं ना, तो खुद तो खुद उड़ रहा है। तो जब हम जो है अपने हाथ का इस्तेमाल किसी को बताने के लिए, एड्रेस बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो क्या हम उस हाथ का इस्तेमाल कुरान सीखने और सिखाने के लिए नहीं कर सकते हैं? जरूर करेंगे, जिसके जरिए से कुरान हमारे लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अपने सारे वजूद का इस्तेमाल करना है, ठीक है, ये कोई मजाक नहीं बल्कि ये पूरा निज़ाम है जो भी आपको मिसाल दी, अभी से प्रैक्टिस कीजिए ताकि बाद में जो कुछ हमको सीखना है वो आज ही हमारे लिए आसान रहे, ठीक है। 20,000 बार आने वाले अल्फाज के लिए 25%, ठीक है, ये मत कहिए कि मैं बाद में सीखूंगा, कितने लोग कह रहे हैं अभी जब क्लास चल जाएगी खत्म हो जाएगी तो बाद में देखा जाएगा, है ना, कोई है नहीं है, है कोई है, कोई भी नहीं है, क्या क्या मिलेगा ये भी तो बता दिया, मतलब अरबी जबान के जो फॉर्म कैसे गए वो हमारे लिए आसान हो जाएंगे, इस सारे जो आसानी के लिए बताए जा रहे हैं, सारे दिमाग का पूरे दिमाग का इस्तेमाल करना सोचिए, है पूरे दिमाग कैसा बोल देना, तो आपके पास पेन है, ठीक है, वो पेन आपके हाथ में रहेगा, आपके पास जो बुक है वो बुक आपके हाथ में रहेगी, उस पेन से अगर किसी दूसरे साथी को बुलाए तो पूरा दिमाग नहीं है, अगर वो बुक किसी और को बताए तो पूरा दिमाग नहीं है, समझ आ रहा है, समझ में आया, मतलब ये है कि आप जो पेन इस्तेमाल कर रहे हैं हाथ में खुद की नोटबुक पे लिखने के लिए, तो आपके बाजू वाले को क्या कर रहे हैं, उस पेन से मार रहे हैं, या अगर वो सो रहा है तो उसको जगा रहे हैं, या जाग रहा है तो उसको क्या कर रहे हैं, कुछ तो कुछ कर रहे हैं, तो पूरा दिमाग नहीं आपके पास, इसलिए पीपीआई मतलब पूरे दिमाग का इस्तेमाल करना है, अगर हाफ दिमाग देंगे तो हाफ समझ में आएगा, फिर बाद में पता नहीं समझ में नहीं आएगा, अगर पूरा दिमाग नहीं समझे पूछेंगे भी, अगर पूरा दिमाग नहीं देंगे नहीं समझ में आएगा पूछेंगे भी नहीं, कभी समझना ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, ओके। अब देखिए आपको सीखना क्या है, ये सीखना है, 6 नए और सीखना है, जैसे नंबर 1, ओके। अब आपको बताया गया था 125 नए अल्फाज सिखाए जाएंगे जो आपको 40,000 कवर करेंगे, ओके,
अब 125 में से पहले लेसन में आपको 6 अल्फाज सिखाया जा रहा है, वो क्या क्या है? होवा, हुम, अंता, अंतुम, अनाता। अब वो 6 अल्फाज सीखेंगे तो कुरान में 1295 टाइम्स आने वाले अल्फाज क्या करेंगे? कवर कर लेंगे। फिर एक बार 125 में से 6, ठीक है, 40,000 में से 1295, समझ आ रहा है? 125 सीखेंगे तो 40, 125 में से 6 सीखे तो 40,000 में से आने वाले 1295। रेडी है ग्रामर सीखने के लिए? तो नोटबुक और जो है पेन सब छोड़िए, तो हरकत में आ जाइए, क्योंकि हरकत में बरकत का है। 1295 बार आने वाले अल्फाज को अभी इंशाल्लाह 5 से 6 मिनट में कवर कर लेंगे और आपसे बारी बार इंशाल्लाह से कम जाएगा। अब देखिए पहला है हुआ, ठीक है, पहले ही बता रहे बगैर इशारे के। फिर उसके बाद हुम, उसके बाद अंत, उसके बाद अंतुम, उसके बाद अना, उसके बाद मान, ठीक है। अब हम जैसा इशारा कर रहे हैं वैसा आपको इशारा करना है, ओके। राइट हैंड अपना राइट, अभी एक उंगली का इशारा क्यों वो भी बताएंगे। पहले देखिए हुआ, बोलिए वो भी राइट से करना क्यों क्यों, अभी ये भी बता दे रहा हूँ आपको, ये राइट हैंड का जो भी इस्तेमाल होगा वो सब मेल के लिए इस्तेमाल होगा, जैसे ही लेफ्ट हैंड आएगा वो फीमेल के लिए जाएगा, राइट मेल। अभी बहुत सारे इशारे के अंदर बहुत सारे इशारे हैं, इधर है तो मुजक्कर के लिए, इधर है तो मुअन्नस के लिए, ठीक है। अगर आप कुरान पढ़ रहे हैं, अगर मुअन्नस की मेल फीमेल की पहचान है तो आपको जो है टीपीआई के जरिए से करना है, तो सॉरी अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है, क्यों मुझे मेल करने का फीमेल करना, इधर आ गया तो इसका तर्जा मुझे मेल करना फीमेल करना खुद ऑटोमेटिक आ जाएगा। और क्या आएगा अभी मैं बता रहा हूँ, एक हो गया हुआ, एक उंगली है ये, मतलब क्या है ये वाहिद सुंदर, ओके, एक उंगली, ठीक है, वाहिद है। चार उंगली ये जमा है, प्लूरल है, जमा है, चार उंगली, ठीक है। अब ये एक और ये जमा, ये हुआ और ये हो, राइट क्यों इशारा कर रहे हैं, इसलिए कि ये थर्ड पर्सन है, गायब है, क्योंकि तो कोई है नहीं है, इसलिए अब जैसा अरबी में हम मदरसे में पढ़ते हैं हुआ वाही मुज़क्कर गायब, वाही मुज़क्कर गायब, उसको याद करना पड़ता है। हुआ इशारे से मालूम हो गया थर्ड पर्सन ये गायब है, ठीक है, और एक उंगली बता दी ये वाहिद है। अब हमको वाहिद मुज़क्कर गायब, जब आप मुज़क्कर गायब याद करने जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक आपके जहन में आता है। अच्छा हुआ वो एक के लिए कहा जा रहा है और ये गायब है जो सामने नहीं है, समझ में आया, ये गायब हो गया थर्ड पर्सन। उसके बाद जो है ऐसा कि अंत 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 अंतु अंतु, अब इसे क्या समझ आया, एक वाहिद के लिए, ये क्या समझ आया, जमा के लिए। सामने जो है हम इशारा कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि सेकंड पर्सन हाजिर है, जो हाजिर होगा उसका इस्तेमाल अंदर से होगा अगर एक है तो, और अगर हाजिर है कई लोग हैं तो उसका इशारा जो है अंतुम से होगा, मेल फीमेल तो बताएंगे, ठीक है। एक उंगली है तो वाहिद के लिए, चार उंगली है तो जमा के लिए, और इशारा ऐसा होगा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि सामने बात की जा रही है तो उसके लिए अंत आएगा अंतुम आएगा, और अगर जो है गायब की थर्ड पर्सन की बात हो तो हुआ और हुम आएगा, ये याद रख लीजिए। और तीसरा क्या है, अना अना मैं नहनु अंसर अना नहनु से भी अरबी की बात है, पहले बताइए अना नहनु कितने हुई है, एक सिंपल मैं एक नहनु अंसर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये फर्स्ट पर्सन है, इसको बोलते हैं अरबी में मुतकल्लिम, मुतकल्लिम किसे कहते हैं, बोलने वाला, बातचीत करना बोलने वाला, एक है तो अना मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, अना अब्दौ मैं शुरू कर रहा हूँ, अना अफालु मैं कर रहा हूँ, एक। और अगर जो है कई लोग हैं तो क्या आएगा, नहनु क्या आएगा, नहनु नहनु नब्दौ हम शुरू कर रहे हैं, नहनु नफालु हम कर रहे हैं, नहनु नजरी वो हम सब मार रहे हैं, ठीक है। तो एक के लिए अना और कई लोगों के लिए नहनु, अच्छा यहाँ सवाल कर दिया जाए अना बोलो तो मैं अकेला, तो फिर ये नहनु क्यों,
तो आप लोग हम सब है ना, आप अपने आप एक मान के बोलिए कैसा नहाना होगा। यस वेरी गुड। दो फरिश्ते भी हैं, एक तो शैतान है, और कभी कभी क्या होता है, कभी क्या ज्यादातर शैतानी होता है, ज्यादातर कभी कभी नहीं, अब हम ज्यादातर ही कह रहे हैं। तो समझ में आइए, अब गौर देखिए, पहले अरबी पढ़ेंगे। हुआ सारा से होना चाहिए। हुम अंत अंतु ऊपर कर लेकिन असर इशारा यहाँ पर है, ओके ऊपर नहीं है, ऊपर जाएंगे तो बदल जाएगा, क्योंकि एक पास्ट टेंस होता है, एक प्रेजेंट टेंस होता है। ये पूरे जितने भी इशारे ऊपर प्रेजेंट टेंस में पहले मुजारे में जाएंगे, नीचे जितने भी है पास्ट टेंस के वो सब आगे आहिस्ता आगे सिखाएंगे, अभी जितना होता है इसमें बेसिक सिखा रहे हैं। अंत अंतु अना नहनु अना नहीं लगी अना है ये अना मैं अना बोले तो अनानियत है, ये तकब्बुर और घमंड आ गया, इसलिए तजवीद में अना पढ़ ले अना नहीं पढ़ ले। ओके एक बार हुआ हुम अंत अंतु अना नहनु हुआ हुम अंत अंतु अना नहनु तर्जुमे के साथ हुआ वो हुम वो सब अंत आप अंतुम आप सब अना मैं नहनु हम सब हुआ वो हुम वो सब अंत आप अंतुम आप सब अना मैं नहनु हम सब हरकत में हरकत में जरूर हरकत के लिए क्यों, इसलिए कुरान सीखने के लिए हम हरकत कर रहे हैं। ये सब मदद है, सपोर्ट है उसका। हुआ वो हुम वो सब अंत आप अंतुम आप सब अना मैं नहनु हम सब। ठीक है, अब हम अरबी बोलेंगे, आप लोग तर्जुमा करेंगे। ओके इसके बाद जब सीखते जा रहे हैं ना वैसे वैसे आपको आगे बढ़ते जाना है। अंत अंतु अना नहनु अंत अंतु अना नहनु अंत अंतु अना नहनु। ये तीन तरीके हो गए, अभी दो तीन और बता देंगे स्टार्टिंग में। अब हम क्या करेंगे, अरबी में ही पढ़ेंगे लेकिन उसको जोड़ी बना देंगे। कैसा जोड़ी, हमारे पास पढ़िए हुआ हुम। ठीक है, यानी दो को एक साथ में पढ़ लेना हुआ हुम। और इस तरीके से पढ़ना है कि हम अरबों से बात कर रहे हैं, कोई अरबी जानने वाला है हम उनसे बात कर रहे हैं। हुआ हुम अंत अंतु अना नहनु हुआ हुम अंत अंतु अना नहनु हुआ हुम अंत अंतु अना नहनु हुआ हुम अंत अंतु अना नहनु। अब साथ में पढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे और आप भी पढ़िए साथ में, कोई आगे पीछे नहीं जाएगा। ओके चलिए सिर्फ अलग अलग हरकत में हरकत और हरकत भी पूरी कर रहा है हुआ हुम अंत तो बरकत भी पूरी नहीं आएगी, इसलिए इशारा सही से फिर एक तो और रह गए, वो भी कवर कर देता हूँ मैं। इसके बाद ये है कि हम क्या करेंगे, तर्जुमा करेंगे, आपको अरबी बोलना है। ओके ये हो गया, तर्जुमा भी सिखा देंगे, अरबी भी सिखा देंगे। वो वो सर आप सर मैं हम सर थोड़ा मुश्किल है आसान मुश्किलात के जो अल्फाज जा रहे नहीं जा रहे। ओके
अभी और आगे देखेंगे, फिर से एक बार वो आपको तर्जमा करना, आप लोग को तारीफ करना, वो सब आप सब नहीं हम सब वो सब आप सब मैं हम सब नहीं पढ़ा वो सब आप सब मैं हम सब। अब जो है आखिरी जो स्टेप है, आखिरी जो साइकिल है वो है गेम्स की शक्ल। अब हम क्या करें, बीच बीच में पूछेंगे आपसे, तो पहले आप लोग जवाब दीजिए सिर्फ आरबी तरतीब हो गए, तैयार रहिएगा। सोच के जवाब दीजिए। انا نحن انا
अंतुम अंतुम अंत हुम हुम अंत हुआ इसीलिए किया है अंत अंतुम दो से तीन मिनट टाइम देंगे आपको, लेकिन उससे पहले कल आप लोगों को कुरान से ठीक है हुआ हुम अंत अंतुम अना नखनो ठीक है उसकी मिसालें आपको कुरान से ढूंढ कर लाना है कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होगा। जैसे एक मिसाल आपको दे रहे हैं सूरह इखलास में है कुल हु अल्लाह वो आए हैं तो क्या लिखेंगे कुल हु अल्लाह अहद उतना नोट करके ला देंगे, लेकिन ये तो बता दिया गया ये नोट करके नहीं लाना क्योंकि बता दिया गया। एक और मिसाल हुम की तो बहुत सारे मिसालें मिल गई अमुल का फिर अमुल का से बोल उलाए को अमुल मुफले हुन हुम आ गया तो उलाए का अमुल मुफले हुन इतना नोट करके लाना उसके अंदर हुम आ गया। तो ऐसे ही हुआ की अच्छा अलग अलग बोल देंगे हुआ की तीन मिसालें हुम की भी तीन मिसालें अंत की भी तीन मिसालें अंतुम की भी तीन अना की भी तीन नहनु की भी तीन तीन कितने हो गए पूरे छः के तकरीबन 18 हो गए एक के तीन। तो तुमने टाइम दे रहे थे जल्दी से रिवाइज कर लीजिए फिर उसके बाद अलग अलग वन बाय वन आप सूरज का नाम बताइए नहीं सूरज नाम वो आए नोट करके ला लीजिए जल्दी आप कहिए अभी जो याद करना दो मिनट में सीखिए क्या हो जाए जाएंगे उसका जवाब चाहिए ठीक है। हम इशारा करेंगे आपको सिर्फ अरबी बोलना रहेगा और एक साथ बोलना है जो आगे पीछे हो जाएंगे वो आराम से अपनी जगह ले सकेंगे यानी जो बच जाएगा वो विनर है ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहे पढ़िए एक बार सब मिलकर पढ़िए हुआ हुम अंतर अंतुम नहनु ठीक है एक बार और पढ़ लीजिए हुआ हुम अंता अंतुम अना नहनु ठीक है रेडी। हम क्या करेंगे सिर्फ अरबी बोलेंगे थोड़ी देर सिर्फ अरबी बोलेंगे और आपको क्या करना है इसका इशारा करना उसका टीपीआई बताना है ओके। एक साथ आगे पीछे हुआ तो नतीजा तो मालूम है ना जी अंता हुम अंत अना हुम हुआ अंत नहनु अंतुम अंतुम हा थोड़ा और पीछे जाए अंत हुआ हुम हुआ अंत अना नहनु हुम अंत अना हुम देर हो गई थोड़ी देर हो गई ओके। उनका साथ देने के लिए चार लोग हो आएंगे अभी रुकिए अभी और आजमाएंगे जल्दी जल्दी आ जाइए और आपको बता दिया कि पीछे रहेंगे तो फिर मार्क्स भी पीछे हो जाएंगे हमने बता दिया पूरा ओवरऑल जो है आपका टेस्ट हो रहा है जी इसीलिए जब बुलाया जाए तैयार हो जाना है एक बार पढ़ना है रिवाइज करना है या डायरेक्ट पूछना शुरू कर दें ओके रेडी अंत अना हुम हुआ नहीं ठीक है पूरा दे रही है नहीं नहीं लिखने बदल क्योंकि आप पहले से मौजूद हैं हुम
अंत अंतु अंत अना हुवो हुम रात्र आप लोग भी देख रही हैं अंत अना हो बीच में लेकिन खुशी इस बात है कि दूसरे बैचेस वाले इतनी देर तक नहीं टिकते थे अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात है अंत हुआ हुम अंत नहनु अना आपकी बात नहीं हो रही है अच्छा जिनका गलत होता है खुद एहसास हो जाता है मैंने गलत किया अच्छा गलत कौन करे और तो पीछे चले अंतुम नहनु हुम आइए अभी कल कल के टाइम में प्रैक्टिस करके आइएगा अंत हुम अना अंत नहनु अंत हुम हुआ अंत अना हुम हुम अंत अंत नहनु हुम ये लोग हार मानने वाले नहीं अंत नहनु अना मैं एक मिनट दूसरा काम करेंगे हम तर्जुमा बोलेंगे आपको नहीं बोलना है इशारे के साथ आप सब अगर नहीं बोलेंगे कोई बात नहीं इशारा जरूर करना है मैं अना अना हुम ओ सॉरी तर्जुमा करना है वो सब अंत बोलते हैं ना हिंदी उर्दू की खाला है या उर्दू हिंदी की खाला है मेरे मौसी है ओके अंत सिर्फ अरबी बोली में या सिर्फ इशारा के लिए हुम सिर्फ इशारा के लिए बोली बताए अंतुम अना हुआ हुम अंत नहनु अंत अंतु हुम अब आ जाइए अब आ जाइए माशा तो कल आपको पहला काम ये है कि आते ही जरा मुझे इसी बारे में आगे हेडिंग क्या है आओ कुरान और नमाज समझे आसान तरीके से तो कुरान क्या है नमाज क्या है लेकिन दो हदीसें इसके बारे में जानेंगे ओके तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने समझने और उसको अमल करने की आमीन और मजलिस की दुआ है वो पढ़ लीजिए सुभानल्लाहि व बिहमदिही सुभानल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक